हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल थ्रीज किचन। फ्रेंड्स, आज हम वेजिटेबल पुलाव बनाएंगे, जिसे कुकर में बनाएंगे। झटपट रेडी हो जाएगा और सिर्फ कुकर की एक सीटी में हम इसे तैयार कर लेंगे। तो चलिए वेज पुलाव बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक कप हरी मटर ली है, एक गाजर को इस तरह से कट कर लिया है, एक कप फूल गोभी है और एक आलू लिया है, एक प्याज को बारीक कट कर लिया है स्लाइस में, 4 से 5 हरी मिर्च, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/2 लेमन यूज़ करना है। यहाँ पर मैंने कुछ गरम मसाले लिए हैं, जिसमें थोड़ा सा शाह ज़ीरा है 1 टीस्पून, ये ब्लैक कार्डमम, ग्रीन कार्डमम 3 लिया है मैंने, और ये स्टार एनीज है, 4 से 5 लौंग लेना है और 5 से 6 काली मिर्च लेना है, 2 तेज़पत्ता लिया है मैंने, 1/2 कप ऑयल लेना है। यहाँ पर मैंने 1 गिलास बासमती राइस लिया है, आप कोई भी राइस यूज़ कर सकते हो, 2 टीस्पून नमक लेना है। तो चलिए अब हम कुकर में पुलाव बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर कुकर को मैंने गर्म कर लिया है, कुकर के गर्म होते ही इसमें मैंने ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल के गर्म होते ही हम इसमें सारे खड़े मसाले ऐड कर देंगे। 1/2 मिनट पकने के बाद इसमें हम स्लाइस अनियन भी ऐड कर देंगे। प्याज को हमें ब्राउन करना है। अब इसमें हरी मिर्च भी ऐड कर दी है मैंने, अनियन के साथ हरी मिर्च भी ऐड कर देना। प्याज ब्राउन हो चुकी है, उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर दिया है मैंने। इसे हम 30 सेकंड ऐसे ही पकने देंगे। गैस का फ्लेम लो रखा है मैंने। अब हम इसमें वेजीज ऐड कर देंगे। वेजीज को मैंने अच्छे से धो लिया था, सॉल्ट भी ऐड कर देना है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे सबको और 2 से 3 मिनट हम इसी तरह इसे लो फ्लेम पर पकने देंगे मिक्स करने के बाद। तो 2 से 3 मिनट हो चुका है, चावल को मैंने धो लिया है और धुले हुए चावल को इसमें ऐड कर देना है। मिक्स कर लेंगे सबको। चावल को भी हम 2 मिनट वेजीज के साथ पकने देंगे। अब हम इसमें 2 मिनट हो चुका है, अब 2 मिनट के बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पर 1.5 गिलास पानी यूज़ कर रही हूँ और अब 1/2 लेमन जूस भी ऐड कर देना है। सबको मिक्स कर लेना है, एक मरतबा चला देना है अच्छे से सबको। और अब हम इसे कवर करके एक सीटी आने तक के हाई फ्लेम पर पकाएंगे। तो यहाँ पर ढक्कन मैंने लगा दिया है और एक सीटी हम हाई फ्लेम पर लेंगे। जैसे ही सीटी हो जाएगी हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर एक सीटी हो गई है, गैस का फ्लेम मीडियम कर दिया है मैंने और 5 से 7 मिनट हम इसी तरह मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। उसके बाद हम गैस का फ्लेम ऑफ़ कर देंगे। यहाँ पर मैंने गैस का फ्लेम ऑफ़ कर दिया है और कुकर को हम ऐसे ही छोड़ देंगे जब तक कि इसकी स्टीम खुद से रिलीज़ ना हो, इसे ओपन नहीं करना है। तो यहाँ पर स्टीम इसकी रिलीज़ हो चुकी है खुद से, इसे ओपन कर लिया है मैंने। अब हम जो स्पून का पिछला हिस्सा है उससे हम चलाएँगे, इससे क्या होता है कि हमारे चावल टूटते नहीं हैं। तो आप ध्यान रखें कि जो स्पून है उसके पिछले हिस्से से ही इसे चलाएँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा वेज पुलाव बिल्कुल रेडी है, अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो आप देखा ना आपने कितनी आसानी से कुकर की सिर्फ एक सीटी में पुलाव रेडी हो गया है और कुकर में बना है, इसलिए इसको बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। तो फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको ये अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।